आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 फ्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। तालाब में नहाते वक्त डूबे व्यक्ति गोताखोरों की मदद से निकाला गया बाहर। नरपारा बहराइच कोतवाली नरपारा क्षेत्र के अंतर्गत नरपारा देहात के राजापुरवा गांव में बने अस्थायी तालाब में नहाते वक्त एक व्यक्ति डूब गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से निकाला जा सका। स्थानीय ग्रामों के मुताबिक रविवार दोपहर बाद करीब 2 बजे राजापुरवा गाँव में 40 वर्ष प्रेम बाबू पुत्र विजय जब पुरानी ईदगाह के पास तालाब में नहाने के लिए गए थे, तभी उसका पैर फिसल जाने से वो गहरे पानी में चला गया। जब तक लोग उसे बचाने के लिए कोशिश करते वो डूब चुका था। देखते देखते काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस उप निरीक्षक शीश कुमार राणा व डायर 112 के राजेश सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया गया। तालाब में जाल डलवाकर डूबे व्यक्ति की लाश बाहर निकाली गई। उसके बाद गोताखोरों की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रेम बाबू को बीच तालाब से निकाला जा सका। उसके सांस नहीं चल रही थी। समाचार मिलने तक स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से उसके इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा था। पूर्व प्रधान प्रत्याशी जनप्रतिनिधियों मोहम्मद यूनुस ने बताया कि प्रेम बाबू जब नहाने गए थे तो उस वक्त वो नशे की हालत में था, जिससे उसके शारीरिक संतुलन बिगड़ गया, तालाब में डूब गया। इधर क्षेत्रीय लेखपाल ब्रज बहादुर जायसवाल ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। फिलहाल गांव में घटना से सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट अहमद। देख लिया पब्लिक ना हो।